नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डाइल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइल्यूशन और पोटेंसी दोनों चीजों को ही मैं बताता चलूंगा आपको। आज हमें देखना है कि जो बहुत सारे कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के माइंड में, खासकर नए लोगों के माइंड में, कि भाई किससे रिजल्ट आएंगे, किससे फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, उस चीज को मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये टॉपिक कंप्लीट रहेगा, दो पार्ट में बनेगा। एक में मैं 19 जो आज डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं 147 जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। कैसे यूज करें, कब यूज करें, कब 19 देना होगा, कब 147 देना होगा, क्या केवल 19 से कर सकते हैं, क्या केवल 147 से कर सकते हैं, दोनों चीजों को मैं क्लियर करूंगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको क्लियर चीजें बताऊंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जहां तक इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो वीडियो की रिक्वायरमेंट है, इन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो डाइल्यूशंस या पोटेंसी, पहले डाइल्यूशन की बात कर लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना, ठीक है। मतलब हर एक सॉल्यूशन में कुछ अणु परमाणु होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो उन एक एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में उनकी एक डिस्टेंस होती है आपस में, कि भाई वो मान लो वो इतने आसपास जो है वो रखे हुए हैं। जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी जिसमें ये जो सॉल्यूशन है वो घुल जाता है, वो घुल मिल जाता है। हमारे केस में वो डिस्टिल वाटर हो सकता है और रेक्टिफाइड स्पीड हो सकता है, RS। तो उसे डालने के बाद क्या होगा, जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है, जो अणु परमाणु का डिस्टेंस है, वो क्या है, वो बढ़ जाता है, डाइल्यूट हो जाते हैं। इसी को हम डाइल्यूशन बोलते हैं कि भाई हमने उनके बीच में गैप को बढ़ा दिया है, बस इतने वर्ग को डाइल्यूशन बोलते हैं। और जहां तक मैं बात करूं, क्योंकि होम्योपैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से पहले आई है तो वहां पे भी कुछ स्केल है जो इनिशियल लेवल पे चले, जैसे डेसिमल चला जिसे 19 बोलते हैं, हाफ सेंटीसिमल चला जो 149 है वहां पे, और सेंटीसिमल चला जो 199 है वहां पे। अभी और भी आगे चल रहे हैं मिलीसिमल, बहुत 50,000 के लेवल तक पहुंच गए हैं वहां पे। तो हमारे यहां भी मैंने सुना कि कुछ लोग जो है वो 50 मिलीसिमल जो पोटेंसी है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये है। फिर क्या मैटीजी ने इसको ईएच में कैसे यूज किया, कि 19 को 19 ही रखा गया और जो हाफ सेंटीसिमल था 149 उसको या तो मैटीजी ने, या फिर क्योंकि क्लियर नहीं है पिक्चर, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है कि कब हुआ कैसे हुआ, या फिर उनके अनुयायियों ने कहीं भी किसी भी स्टेज पे इसको 147 में यूज किया, यानी कि थोड़ा सा रिड्यूस करके और इसको 147 कर दिया, यानी कि 147 में एक पार्ट मेडिसिन का है और 9 पार्ट आपका व्हीकल DW या RS। तो ये हुआ। अब फिलहाल हम 19 की बात कर लेते हैं आज। तो एक ध्यान रखना है हमें कि जब हमारे पास कोई भी किसी भी मेडिसिन का क्रूड होता है, क्रूड को हम 19 से 3 बार डाइल्यूट करते हैं, जिसमें D1, D2 और D3 जो है वो बनता है। D3 के बाद हम अपनी जो पोटेंसी है, जो डाइल्यूशन है, जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करते हैं। तो समझो D3 से आगे स्टार्ट हो रहा है। तो 19 में हम क्या है कि 19 में आप देख रहे हैं मेडिसिन ज्यादा है और व्हीकल का पार्ट कम है यहां के मुकाबले। यहां मेडिसिन का एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट वहां पे था। मान लो 1 ml मेडिसिन है, 9 ml डिस्टिल वाटर है, यहां पे डिस्टिल वाटर 47 ml है, यहां पे मेडिसिन कम है। तो ध्यान रखना है जब भी हमारी मेडिसिन कम होगी और व्हीकल का पार्ट ज्यादा होगा, मेडिसिन उतनी ही डीप जाके एक्शन करेगी, उतनी गहराई में जाके एक्शन करेगी। तो एक डिफरेंस मैं आज ही बता देता हूं आपको कि जब दिख रहा है कि जो बीमारी है वो बहुत गहराई में छिपी हुई है, बहुत डीप में छिपी हुई है, तो आप 19 के बजाय 147 वाला जो है वो यूज कीजिए डाइल्यूशन। यहां पे पोटेंसी का मतलब क्या है, पोटेंसी का मतलब है कि जो डाइल्यूट करके आपने अणु और परमाणु के बीच की, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी है, अब वो जो बीच में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जो आपने व्हीकल डाला है, उसको उसमें भी तो मेडिसिन जो प्रॉपर्टी है वो आनी चाहिए। तो उस सॉल्यूशन को मेडिसिनल प्रॉपर्टी लाने के लिए अब हम उसको डाउनवर्ड जो है वो स्ट्रोक देते हैं ऐसे, इस टाइप से। इससे क्या होता है, ये जो अणु इसके आसपास जो सॉल्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन चार्ज हो जाता है,
किससे चार्ज हो जाता है, ये जो एटम्स, ये जो अणु और परमाणु इस पे यहां पे पड़े हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बहुत सारी चीजें होती है। आखिर में क्या होता है कि उतने ही जैसे हमारा जो सॉल्यूशन है उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही जो व्हीकल है उसके भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एक केमिकल रिएक्शन होती है और दोनों एक केमिकल बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं और पूरा सॉल्यूशन जो है वो उसमें मेडिसिन इफेक्ट आ जाता है। इसी को हम पोटेंटाइजेशन बोलते हैं, मतलब पोटेंसी क्रिएट करना बोलते हैं, यानी कि डाइल्यूट करने के बाद अगर आप स्ट्रोक देते हैं तो वो डाइल्यूशन नहीं है, वो पोटेंसी ही है। ये साइंस कहता है, ऐसा सीधा सीधा साइंस का सिद्धांत है। अब लोग क्या कहते हैं, किसको पोटेंसी डाइल्यूशन बोलते हैं, वो अलग विषय है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू साइंस बोल रहा हूं और वहां उसका मतलब यही है कि भाई आपने किसी चीज को पोटेंटाइज कर दिया है तो वही उसकी पोटेंसी मानी जाती है। तो ये हमने इसको पोटेंटाइज कर दिया। अच्छा, स्ट्रोक की बात यह है कि वो 147 कोई 50 स्ट्रोक देता है, कोई 10 स्ट्रोक ही देता है, कोई 100 स्ट्रोक देता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि भाई ये 199 मतलब 100 का रेशियो है तो यहाँ 100 स्ट्रोक दे दो, यहाँ 50 दे दो, यहाँ 10 दे दो, लेकिन मैं सभी में 100 ही देता हूँ स्ट्रोक। वहां से जो चार्ज पार्टिकल हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं और पोटेंसी जो है वो अच्छे तरीके से निकल के आती है, क्योंकि हम मोस्टली हाथों से स्ट्रोक देते हैं, उसमें कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, जब हम 100 स्ट्रोक देंगे तो कहीं ना कहीं लगातार 10 अच्छे स्ट्रोक उसमें लगे जाएंगे। मैंने बिना स्ट्रोक के भी यूज की है अपनी सारी मेडिसिन, उनके भी रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके नहीं आते, सिर्फ सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके दे दो उससे भी रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन में स्ट्रोक नहीं देना, केवल हिलाना भर है, तो उससे भी आएंगे, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो स्ट्रोक दे भी देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी उससे। तो 147 के हम बात कर रहे थे, तो जब मेडिसिन, जब जो जो डिजीज है वो बहुत डीप में नहीं है, सुपरफिशियल है, ऊपर की लेयर में आपको लग रही है, तो आप 19 को दे सकते हैं, 19 से स्टार्ट करिए। लेकिन एक ध्यान आपको रखना होगा कि इसमें, क्योंकि हमारी जो रेमेडी है वो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, तो जब आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी देनी हो किसी को कि भाई न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, रोगी वीक है, एनीमिया है, उसको खून की कमी है, प्लेटलेट की कमी हो रही है, प्लेटलेट की कमी हो रही है, तो D4 ज्यादा इफेक्ट देगी फर्स्ट के मुकाबले, मतलब 147 के मुकाबले 19 वाला जो रेशियो है वो ज्यादा इफेक्ट देगा। तो जब आपको ऐसा लगता है कि भाई इस टाइप का इफेक्ट है, वीकनेस है और वहां पे सुपरफिशियली है, वो डीप में सिटेड नहीं है, तो ये आपको एग्रावेट होने का डर नहीं है, तो आप जो है 19 का रेशो यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि न्यूट्रिशन वैल्यू भी साथ के साथ मिलती चलेगी। अब इसको भी मैं D4, D5, D6, D7, D8 कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो सब डाइल्यूशन ही, लेकिन जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वर्ल्ड है वो 147 को बोलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, D3 के बाद। तो जब आप एक बार तोड़ते हैं तो फर्स्ट, दो बार डाइल्यूट करते हैं तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, तो ये बहुत डाइल्यूट हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि इसका सेकंड डाइल्यूशन ही इतना डाइल्यूट होता है, मेडिसिन का पार्ट इतना कम होता है जितना इसके D8 के आसपास जाके बनता है, यानी कि उसका D8 इतना डाइल्यूट होगा जितना इसका सेकंड। अब आप न्यूट्रिशन वैल्यू समझ सकते हैं कि कहां पे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन जहां एग्रेवेट होने का डर है, खासकर स्किन डिजीज जो है, डीप सीटेड डिजीज हो गई, कैंसर वगैरह हो गए, वहां पे देखे हैं, या बहुत पेन वाली कंडीशन होगी, अर्थराइटिस वाली कंडीशन होगी पुरानी क्रोनिक, और किडनी डिजीज हो गई, किडनी फेलियर वाला हो गया, CKD का पेशेंट हो गया, वहां इनका यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। स्टोन वगैरह में यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन स्टोन बड़ा है, उसका साइज 8-10 mm से ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप इधर ही आइए, उधर मत जाइए, क्योंकि वहां से स्टोन जल्दी टूट जाएगा, वो कहीं अटकने का, फंसने का खतरा फिर रहेगा, ये धीरे धीरे डिजोल्व करके निकालेगा। तो ये हुआ आपका ये, और फिर आप स्ट्रोक देने के बाद, स्ट्रोक देने के बाद इसको पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रोक देने के बाद मेडिसिन पोटेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे हम 19 बनाएंगे कैसे, फिर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, जब आप D4 बनाएंगे तो एक पार्ट D3 का, 9 ml डिस्टिल वाटर D4 बन जाएगा, फिर एक पार्ट इस D4 का लेंगे, 9 ml डिस्टिल वाटर D5, फिर ऐसे ही एक एक पार्ट
जो ऊपर बना है उसका लेते चलेंगे, 9 ml डिस्टिल वाटर लेते चलेंगे, वो सब जानते ही हैं आप लोग। ऐसे आप इसको बना के रख सकते हैं अपने क्लिनिक में, बल्कि मैं ये कहूंगा कि D10 तक आपके पास 1:9 का भी बना हुआ होना चाहिए, और 10th डाइल्यूशन तक, नहीं तो कम से कम 3rd डाइल्यूशन तक, आपका 1st, 2nd, 3rd डाइल्यूशन तक 147 का भी बना होना चाहिए। इसके बाद सोल्ट में बना सकते हैं, इसका सोल्ट का जो मेथड है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोल्ट डिस्पेंसिंग कैसे है। ये तो सिक्वेंशियली डिस्पेंसिंग है, और मोस्टली जो है 19 और 147 हमारे इलेक्ट्रोमोपैथी में यूज किया जाता है। कुछ लोग 199 भी यूज करते हैं, या इतना डायल्यूट करते हैं उसको, अंदाजे से डायल्यूट करते हैं कुछ लोग कि भाई 450 ml में इतनी मेडिसिन डाल दो, या 100 ml में इतनी मेडिसिन डाल दो। जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स के स्केल पे ले जाते हैं तो वो 199 के आसपास ही जाके बैठता है, मतलब वो इतना डायल्यूट उसको करते हैं। वैसे भी मैंने करके देखा है तो एनीमिया वगैरह की जो डिजीज है, जहां पे हमें न्यूट्रिशन वैल्यू देनी है, जहां पे जो हमारे कंपोनेंट है बॉडी के या ब्लड के वो बढ़ाने हैं, वहां पे ये थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, ये उससे थोड़ा सा अच्छा काम करता है, और ये उससे ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये सब तरीके से हमें यूज करते हैं, करना चाहिए। अब क्या होम्योपैथी वाले केवल एक ही चीज पे काम करते हैं? नहीं, वो 1:9 वाले पे भी काम करते हैं सब, वो 1/2 centisimal पे भी काम करते हैं, वो यहां भी काम करते हैं, यूज तो वो सारे करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्केल पे वो लोग चल रहे हैं, सभी स्केल की मेडिसिन उनके पास है, सभी स्केल की मेडिसिन से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रिसर्च लगातार बढ़ रही है। तो डॉक्टर हैनमैन ने क्या एक ही ये रिसर्च करके छोड़ दिया था? जितनी मेडिसिन उन्होंने खोज के छोड़ी थी, आज उससे कई गुना 1500 से ज्यादा मेडिसिन होम्योपैथी में यूज हो रही है, बल्कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत भी वहां यूज होने लगा है। जो सबसे बड़ी कंपनी होम्योपैथी की है डॉक्टर रैकवेक, वो मेडिसिन को मिक्स करके उसके सबसे फेमस पेटेंट है होम्योपैथी में, सबसे ज्यादा कारगर पेटेंट भी है, सबसे महंगे भी है। तो हमें नई रिसर्च भी करनी पड़ेगी, नई चीजों को अपनाना भी पड़ेगा, और जो पुरानी चीजें चल रही है वो तो है ही, ऐसा नहीं कामयाब है सब पुरानी चीजें भी। तो मैं तो ये चाहूंगा कि 19, 147 और ड्रॉप मेथड जो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, उन सब का यूज कीजिए आप, और सबको ऑब्जर्व कीजिए कि भाई किससे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, 10-5% का अंतर आएगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मैंने सब चीजें करके देख ली है, यहां से यहां तक और ड्रॉप मेथड सब। तो किसी को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी मेडिसिन है, बस एक चीज चाहिए कि आपकी D3 बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ ना हो। कुछ लोग D4 को D3 के नाम पे दे, छोटे से लालच में जो है अच्छी मेडिसिन नहीं दे रहे लोग, उसको थोड़ा सा आप देखिए। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो में बताया कि भाई डाइल्यूशन और पोटेंसी में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। पोटेंसी बनानी है तो डाइल्यूट करना ही पड़ेगा, बिना डाइल्यूशन के आप पोटेंसी नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आप डाइल्यूट करेंगे किसी चीज को, फिर स्ट्रोक देंगे, तब उसकी पोटेंसी बनेगी, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। तो डाइल्यूशन और पोटेंसी एक दूसरे के सीक्वल है, एक के बाद एक आएगा, ठीक है, मतलब डाइल्यूशन के बाद हमेशा पोटेंसी ही आएगी। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर मैं साइंस को माइंड में रखूं कि आप 1:9 रेशो में स्ट्रोक दे रहे हैं तो वो भी पोटेंसी बन गई, आप 147 बना के स्ट्रोक दे रहे हैं तो वो भी पोटेंसी बन गई, आप 199 बना के स्ट्रोक दे रहे हैं तो वो भी पोटेंसी बन गई, और आप केवल डाइल्यूट कर रहे हैं तो सभी डाइल्यूशन है। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो केवल डाइल्यूट कर रहे हैं तो सभी डाइल्यूशन है, फिर कोई पोटेंसी नहीं है। आपने 10 स्ट्रोक भी दे दिए, 10-20 स्ट्रोक भी दे दिए, मिक्स करना अलग चीज है, मिक्स तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन आपने डाउनवर्ड स्ट्रोक के तरीके से स्ट्रोक दे दिए तो वो पोटेंसी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो था। नेक्स्ट जो है मैं 147 और जो ड्रॉप मेथड है उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।